hello guys and welcome back to the channel in today's video i'm going to talk about uh, are you able to manage your fees in uk after working the part-time or not or how you're going to manage your fees after coming into the uk for those students who have paid their uh, first term fees or the term fees, like in case you are coming in the January, then it could be the spring term for you. Or in case you are coming for the September, I believe it it would be the autumn term for you. So it depends uh, in which uh, term you are coming in the UK. But uh, if you are coming in the Jan intake, then it would be the spring spring term for uh, for you as well. Because uh, yeah, in the in my time when I came in the UK, it was Jan intake and I came on. I mean, my classes was started on 17th of Jan, but I came very late, and I suggest everyone to come on time, even before the time. If you come here, it will give you the most of the advantage. Like you can explore a lot of places around near you, and lot of stuff. You can like make friends, a good friend for your ac academic, so you can like uh, get the help from your st students, or the other students, or your friends. So you can like you would never able to fail in the module, or also you are able to get the good marks because of your friends and.

ऑन फॉर द ट्वेंटी आवर्स क्योंकि यहाँ पे जो एजेंसीज होती है या आपको जहाँ भी आप काम कर रहे हो ना वो आपको ट्वेंटी आवर्स वर्क कभी भी नहीं देते हैं बहुत नाइन्टी परसेंट केजेस में तो मिलता ही नहीं है ट्वेंटी आवर्स वर्क पर वीक इन केस uh, जैसे कि क्या होता है ना कभी आठ घंटे की शिफ्ट होती है एक दिन में या फिर कभी बारह घंटे की शिफ्ट मिल गई एक दिन में तो फिर नेक्स्ट डे आपको बहुत ही कम शिफ्ट मिलेगी या तो चार घंटे की या तीन घंटे की या छः घंटे की सो इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन एंड जॉब टू जॉब सो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बीस घंटे की शिफ्ट मिल गई लीगली कैलकुलेट करें जैसे कि ट्वेंटी आवर्स पर वीक अलाउड है तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना कमा लोगे वैसे ट्वेंटी आवर्स की शिफ्ट कभी भी मिलती नहीं है पर वीक में मैं आपको हर बार यही बताता हूँ बट फिर भी हम एक मोटा मोटा कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगर ट्वेंटी इंटू एट करें एटी आवर्स हो गए आपके मंथली मंथली में अगर आप नाइन पॉइंट फाइव के अकॉर्डिंग मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग भी मैं देखो तो सेवन सिक्सटी आठ सौ मान लो आठ सौ में अगर आप आठ सौ को भी कैलकुलेट करते हो बारह से तब भी कितने नौ हज़ार छः सौ आपको लगता है कि नौ हजार छः सौ किसी यूनिवर्सिटी की फीस है ईयरली तो मुझे नहीं लगता क्योंकि अंडर ग्रेड की भी इतनी फीस है नहीं मास्टर्स की देखो मास्टर्स की क्या होती है ना बारह से तो मेरे ख्याल से अब ये मेरी जैसे सोलह सत्रह है सोलह कुछ है टोटल आफ्टर स्कॉलरशिप तो सोलह अगर देखा जाए तो नाइन नौ हज़ार छः सौ पाउंड फाइव फिर भी आप नहीं निकाल सकते और ये नौ हज़ार छः सौ जो लीगली आ रहा है ना इसमें ट्वेंटी आवर्स ये तो पॉसिबल इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको हमेशा ट्वेंटी आवर्स की शिफ्ट मिलती नहीं है दूसरा बात कर लेते हैं कि जब आपको फुल टाइम परमिशन होती है तो फुल टाइम में भी आपको कभी फुल टाइम की शिफ्ट मिलती नहीं है कभी ज़्यादा मिल जाती है कभी कम मिलती है बट उसमें जो है ना आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो ये तो इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्योंकि तो अगर लीगली देखा जाए तो आप फीस नहीं निकाल सकते बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको जो भी अपन करोगे ना उससे अकोमोडेशन और ग्रोसरी वगैरह का आपका जो मोबाइल रेंट और मोबाइल वगैरह का खर्चा वो सब निकालना थोड़ा सा इजी है अफोर्डेबल है वो सारी चीज़ें अफोर्डेबल है बट फीस मैनेज करना बहुत मुश्किल है आ, इन ड्यूरिंग योर टर्म टाइम और जब तक आपकी स्टडीज चल रही है बट आफ्टर सितंबर जब मतलब जैन डे की बात करूँ उसके बाद क्या होता है उसको आ, तीन या चार मंथ्स की टोटल वीक्स मतलब फोर मंथ या थ्री मंथ का आपको टोटल हॉलीडेज का पीरियड मिलता है उसमें आप भाई दबा के काम करो फुल टाइम काम करो और अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे मतलब तब भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर के आए थे पूरी निकाल लोगे बट अच्छा खासा अमाउंट आप सेव कर लोगे इसकी तो गारंटिड है दूसरा द थिंग इज़ की तो ये तो कन्फर्म है कि आप टम टाइम में जो ट्वेंटी आवर्स पर वीक काम करके लीगली अपनी फीस नहीं निकाल सकते बाकी जो इ लीगल करके आई मीन जो कैश इन एंड करके जॉब करके पैसे बचाते हैं या सेव करते हैं देखो इससे प्रॉब्लम्स आप ही के लिए होंगी आप इलीगल काम कर रहे हो कैश हैंड जॉब कर रहे हो आप भी पकड़े जा सकते हो वो भी पकड़े जा सकता है फिर आप को रिपोर्ट होगा कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो देखो इसमें आपकी फिर कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा तो नो वन सजेस्ट एनी वन की ऐसा कुछ भी करो क्योंकि और मेरे ख्याल से ना जो आपको फुल टाइम वॉक परमिशन मिलेगी ना आफ़्टर सम टाइम जो आपका हॉलीडेज़ वगैरह आएंगे और वहाँ पर उस टाइम पर आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ एजेंसी क्या होती है ना जब आपकी बैंक हॉलीडेज़ वगैरह होती है तब आपको डबल पे प्रोवाइड करती है पर आर का जैसे अभी नाइन पॉइंट फाइव बेसिक रेट है या टेन टेन पाउंड पर बेसिक बेसिक जो है आपका रेट तो उसमें क्या होता है उस टाइम पे जब आपको बैंक हॉलीडेज़ जैसे कि अभी जुबली हॉलीडेज़ कुछ चल रहा है इन लोगों का होता है ये लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें क्या होता है जैसे बैंक हॉलीडेज़ चल रही है वन वीक की तो इन इन दिस वीक अगर आप काम करते हो वैसे तो अलाउड नहीं है पूरी वीक काम करना बट ट्वेंटी अयर्स अगर आप वर्क वा, कर लेते हो आपको कोई शिफ्ट मिलती है ऐसी मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एजेंसी प्रोवाइड करती बट कुछ एजेंसी क्या होती है आपको डबल पे प्रोवाइड करती है उन उन डेज ऑन दो डेज वन एवर यू हैविन द बैंक हॉलीडेज़ तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर उस टाइप की शिफ्ट आपको मिल जाती है क्योंकि एक या दो दिन काम करके ये आप डबल ट्रिपल काम अमाउंट कमा सकते हो नेक्स्ट वीक तक का सो बेसिकली बेसिकली जो पार्ट टाइम जॉब से आप रेंट और अकोमोडेशन और अपना ग्रोसरी फूड और टेलीफोन बिल आई मीन मोबाइल बिल इंटरनेट बिल ये सब मैनेज कर सकते हो बट फीस मैनेज करना लिटरली uh, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है बहुत ज़्यादा हार्ड है बाकी वो आप जैसे तैसे करा के करो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग बट लीगली दैट इज़ इम्पॉसिबल सीरियसली आई एम टेलिंग यू इट इज़ इम्पॉसिबल आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो कहता है कि निकल जाती है फीस ये या ये हो जाता है वो हो जाता है उस को छोड़ो आप लीगल टर्म्स ख़ुद से जानते हो जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो आपको पता है कि टाउन वाइज आपको ट्वेंटी ट्वेंटी आवर्स अलाउड है आप खुद से कैलकुलेट करके देखो और द ट्रूथ आई हैव ऑलरेडी स्पोकन इन माय ऑल ऑल वीडियोस कि यहाँ पे ट्वेंटी आवर्स मिलते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत रेयर है कि आपको ट्वेंटी आवर्स पर वीक काम मिल जाएगा तो खुद से कैलकुलेट करके देखो कि आपको कितना अर्न कर सकते हो और ये ना आप मेरे अकॉर्डिंग ना ट्वेल्व ट्वेंटी आवर्स में कैलकुलेट तो करो ट्वेल्व आवर्स या फोटीन आवर्स या सिक्सटी आवर्स के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करके देखो मल्टीपल कैलकुलेशन करके देखो और कैलकुलेशन कभी भी रियल टाइम पे फिट बैठते नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप काम करोगे कभी आप नहीं करोगे हो सकता है कभी आप ठीक नहीं हो कभी आपको शिफ्ट नहीं मिली तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं और ऐसा आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लोगे कि ट्वेंटी इंटू फोर और तो भाई ये ये सारी कैलकुलेशन ना रियल वर्ल्ड में एक काम नहीं करती हैं तो खुद से कैलकुलेट करके देखो खुद से आंसर सर्च करके देखो कि भाई आप कमा लोगे नहीं कमा लोगे मैं सबको लास्ट वीडियो में भी रेकमेंड किया था कि भाई आप अपनी अब टोटल फ़ीस पे करके आओ अदरवाइज़ वन फर्स्ट टर्म की पे करके अकाउंट में लेके आओ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास फीस ही नहीं है यहाँ पर मेहनत कर रहे हो फिर भाई आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर होगा बर्डन हो जाएगा क्योंकि फिर ना आप ठीक से खा पाओगे सो पाओगे रह पाओगे स्टडी कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे आपके हर चीज़ में इम्पैक्ट होगा एक चीज़ इंपैक्ट नहीं होगी ऑल आर लाइक सारी चीज़ें इंपैक्ट होंगी तो बेटर यह है कि या तो आप लोन लेके आ रहे हो तो भी ठीक है अगर घर से अरेंज करके आ रहे हो तो भी ठीक है बट बेसिकली मेरा कहना यह है कि सबको फीस अपनी अरेंज करके ही आनी है फर्स्ट ईयर अगर मास्टर्स वाले हैं तो उनको तो पूरी फुल फ़ीस अरेंज करके आनी है अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो कम से कम अरेंज करके आनी ही है आपको फर्स्ट टर्म की फ़ीस पे कर दो बाकी जो आ, नेक्स्ट टू टर्म्स की फीस है वो आप अपने अकाउंट में कैरी करके लेके आना अगर आपके पास फीस नहीं है तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट और हार्ड टाइम फॉर यू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो यही सब आज की वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय